दो इंडोर कैमरे लगाए, दो आउटडोर कैमरे लगाए और इंटरनेट, भाई कैमरा इंटरनेट दोनों। मैं हूं अमन डागर एंड वेलकम टू एक्सटर्नल हीरोज़। तो भाई आज मेरे पास कोई बंदा नहीं था, मतलब टेक्निकल नहीं था कोई, तो साथ में ये डीआई वाले को ही मैं ले आया था। मैं कि भाई थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दियो, सीडी वीडी सेट करने हैं, सीडी वीडी पकड़ने हैं, बाकी सब तो काम मैं कर ही लेता हूँ। सबसे पहले छत पर आकर मैंने अपने बॉक्स एंड पे तार डाल दी और वहाँ पे जोड़ूंगा, पहले कस्टमर एंड पे बाद में करूँगा। भाई कस्टमर एंड पे बाद में करने का ये था कि जो मेरे साथ डीआई का बंदा था उसके पास और भी टिकटें थी, तो वो पहले उन्हें भी करने जाएगा ना, इसलिए मैं ज़्यादा उसे लेट नहीं करना चाहता था। बाहर मैंने जोड़ दी, उसे फ्री किया, इतने में कैमरे वाले भी आ गए। कैमरे वाला अपना दोस्त भाई था, ये अपने साथ में ही पहले इसने नेटवर्किंग का ही काम करता था, मेरे साथ नेट का ही काम करता था, फिर बाद में इसने अपना कैमरे का काम खोल लिया। तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई दिल्ली में कहीं पर भी कैमरा लगवाना है भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और बहुत बढ़िया काम करता है भाई ये। कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन तो मेरे को नहीं पता कैसे होती है, बस मैं बैठे बैठे देख रहा था भाई क्या क्या कर रहा है। इसने DVR को कनेक्ट किया DHCP पे, उसके बाद हर कैमरे को खोल के उसमें मैन्युअली DNS डाल रहा था ये। लेकिन DNS डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि DHCP पे हमने कोई भी राउटर भी हम कनेक्ट करते हैं, सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें मैन्युअली हमें DNS डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों, शायद वो फुटेज के लिए होता होगा। और फिर सभी कैमरे को पहले तो रैंडमली ऐसे ही लगा दिया, उसके बाद एक एक कैमरे को भाई ने जाके सेट किया, फुटेज सही आनी चाहिए, मतलब एंगल सही होना चाहिए। सभी कैमरे को सेट करने के बाद तो भाई ये सीन था, इस तरह से सारे कैमरे दिख रहे थे। लाइक और शेयर कर दे।